विषयी आहे. माझा माझ्या लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्या सोबत आहे एम आय पक्षाचे दक्षिणचे शहर अध्यक्ष अन्नूभाई यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत की मुस्लिम समाजाला आजपर्यंत काँग्रेसांनी फक्त वापरून घेतलेले आहे आणि त्यांचं मत काय आहे. अन्नूभाई, आज पहिली बार आपके सदर जिनको जिला अध्यक्ष थे जी उनके उनका परिवर्तन हो गया है, उनको जी मराठवाड़े का अध्यक्ष बनाया गया. इस पर आप कहें और जिला इंग्रेस निर्दीन बिस्मिल्लाह रहमान निर्दीन. सबसे पहले तो मैं दक्षिण का शहर अध्यक्ष एमआईएम का होने के नाते से और मेरे जो उपाध्यक्ष फिरोज भाई और मेरे सेक्रेटरी रोहन भाई बागवान और हमारी पूरी दक्षिण की टीम के तरफ से तहरीज से आदि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सोच समझ के, आप बैरिस्टर हैं, आप ऑल इंडिया की सियासत को जानते हैं, ऑल इंडिया के मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो वो नाते से उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा डिसीजन लिया कि नांदेड़ जिले के जो अध्यक्ष है हमारे अली जनाब फिरोज आला साहब, उनकी एक्टिविटी को देख के, उनके कामों को देख के, उनके तमाम पूरे तमाम तरीके के जिले के कामों को देखते हुए उन्होंने मराठवाड़ा अध्यक्ष की पोस्टिंग उनको सौंपी. तो मैं और मेरी दक्षिण की टीम फिरोज लाला को, अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे भैंसे के जवाबदार जाबिर भाई को और जिले की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने जिले लेवल के ऊपर काम करने वाले आज मराठवाड़ा लेवल पे काम करने की उनको अल्लाह ने यानी सलाहियत दिया. तो वो वजह से हम हमारी दक्षिण की टीम आज जो है अलाला हैदराबाद से 8 बजे तक नांदेड़ में आने वाले हैं. तो हम हमारे तरफ से उनके हाथ पे इमाम जामिन हमारी टीम के तरफ से बनेंगे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे. कुछ दिन पहले सब देखा गया है कि पाकिजा फंक्शन हॉल में जिस तरीके से अशोक चव्हाण की वहाँ पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बड़े बड़े मुस्लिम समाज के धर्मगुरु गुरुमाए ये हाजिर थे. इनका बोलना ऐसा था कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया जाता है, ना कि कोई उनको पद दिए जाती है जी. और अमदार आजार आने के लिए अशोक चव्हाण का ऐसा कहना था कि मुसलमानों को आमदार आने के लिए मुस्लिम के छोड़ के अदर जात की वोट आदमी ने जब मैं टिकट दूंगा ऐसा कहा उन्होंने. और आप इस पे आप कांग्रेस में रह चुके हैं और आपको उनकी पॉलिसी मालूम है, तो इन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे. सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि मुसलमान को अदर कास्ट लोग वोट नहीं देते, इसलिए क्या बोलते तो आमदार का टिकट नहीं दिया जाता, नहीं दिया जा सकता. तो मैं ये बताता हूँ, जब खासदार के इलेक्शन के अंदर तमाम जगहों के सीट गिर गए, ये यहाँ के मुसलमान ही थे जो अशोक राव जी चव्हाण को जिम्मेदार बनाकर महाराष्ट्र का जो आज अध्यक्ष है तो उनको वो अहदे पे पहुँचाए. और दूसरी चीज जो है, परसों जो उलमाओं ने मीटिंग किए तो उलमाओं ने ये जो बहुत अच्छे सवाल किए, क्योंकि वो उलमाओं के सामने हमारी कोई ताकत नहीं है क्योंकि हम सियासत के लोग हैं. उलमा जो है हमारे दीन को, हमारे दुनिया को, हमारी आखिरत को जानने वाले लोग हैं. और असदुद्दीन अवैसी साहब जो है दीन भी जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं और आखिरत भी जानते हैं. तो उसी तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का मुसलमानों का जब मसला आया, तो 3 तलाक का जब मसला आया तो मेरी बहुत सारे उलमाओं से आलिमों से बातचीत भी हुई. तो उस टाइम पे आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर एक कहने जाके ये कह रहे थे कि भाई तुम अपने आप को सेकुलरिज्म बताना चाहते, सेकुलरिज्म है बोलते हैं, आज ये वोट दे के साबित करो कि क्या बोलते तो तुम्हारे अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है. तो उस टाइम के ऊपर हमारे नांदेड़ के जो जिम्मेदार है खासदार अली जनाब अशोक राव जी चव्हाण साहब, उस टाइम पे उनको उन्होंने बताए हम उलमाओं को
कि मेरे को पार्टी का टेंशन था, पार्टी के तरफ से मैं बोल नहीं सका, तो उसकी वजह ये है कि भाई मुसलमानों के वोट लेने के वास्ते तुम मुसलमान गने आते और तुम चाहते है कोकण के आदमी को यहाँ का आमदार बना देते, कोकण के आदमी को खड़े करते और बोलते मुसलमानों को किसको वोट दो, मुसलमान उसको वोट दे रहे थे और क्या बोलते, तो ढांगड़ के मुसलमानों को अगर से किसी भी मुसलमान को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सेकुलरिज्म होता तो किसी भी मुसलमान को ये नगर सेवकों को छोड़ दो। अब सत्तार साहब है, 25 साल से नगर सेवक है, मकसूद साहब है, शमीम है, ये भी दानिश्वर लोग है ना, इनको भी सियासत का इल्म है ना, इनको क्यों नहीं दिएगा? ये कैसा है, खाली इनको बताते हैं ये लोग कि हम सेकुलरिज्म है, हम तुमको उपमहापुर देते, चेयरमैन देते, महापुर देते, खाली इसमें बोल के तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाता। जब पीपी सावंत को कोकण से लाके नांदेड़ के अंदर टिकट दिया जाता और उसको सुना के राज्य मुसलमानों को उनके बोलने पे वोट दिया जाता और उसको आमदार बनाया जाता, तो ये तमाम चीज ये वजह से आज जो वंचित अगाड़ी जो बनी, वंचित अगाड़ी के अंदर हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहे प्रकाश अम्बेडकर साहब को कि मेरे बड़े भाई है ये प्रकाश अम्बेडकर, मैं एक भी खासदार की सीट पूरे महाराष्ट्र से ना लड़ाऊंगा, मैं जो है पूरे की पूरे सीट प्रकाश अम्बेडकर के कोटे से लोगों को क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देके कामयाब करके बताऊंगा। ये असदुद्दीन साहब अवैसी की साफ नीति और साफ क्लियर हर चीज है। आज नांदेड़ में वंचित अगाड़ी और काफी जोर शोर से आज सामने आई है जी, और उससे भी लोगों ने मुस्लिम रहो, दलित रहो, वंचित 12 पिछड़े जाति लोगों ने भी उनको मदद किया। आज वो उम्मीदवार अपने सामने है और आपके घर पे भी मुलाकात हुई यशपाल भिंगी जी, तो ये उम्मीदवार की बात कभी आने वाले दिनों में भी, आज तो खैर वंचित अगाड़ी का ने एक उम्मीदवार दी हुई है, आने वाले दिनों में विधानसभा में भी आज इनके घर पे आपने होगा उनको सीखी, आने वाले दिनों में विधानसभा में भी आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो नांदेड़ जिले से जिसका एमपी का टिकट मालेगांव की यात्रा में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने डिसाइड किया, वो हमने जो है हमारे जिला अध्यक्ष को बोले अली जनाब असद साहब का इनको इजाजत है क्या, तो बोले बेशक है। प्रकाश अम्बेडकर साहब जब नवी मोहनी में असद साहब आए उन्होंने अपने बड़े भाई कह दिए, कह देने के बाद वंचित अगाड़ी के समाज एम आई एम जान को जान लगाकर बेशक अच्छे तरीके से काम को अंजाम देंगी। आज मेरे घर के ऊपर यशपाल भिंगे साहब 2:30 बजे आए, आके मेरे से चर्चा की कि अनु भाई तुम दक्षिण के शहर अध्यक्ष है एम आई एम के, क्या तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारी चीजें क्या है, तो मैंने उनको ये बतलाया कि जो हमारे जिला अध्यक्ष अली जनाब फिरोज लाला का आदेश रहेगा हम जो है आपको सीने को सीना लगाकर काम करेंगे, हम किसी से डरने और दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले आपको यह चीज मालूम है कि एक केस जो पहले पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे उनके ऊपर होया और उन्होंने जेल में रहे, तो तमाम कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी पार्टी ये हमको झूठा केस बनाकर हमको अंदर करना चाहती होंगी तो वो हम पुलिस प्रशासन को मैं कल लेटर देना हूँ कि एक कमिश्नर साहब ने आईजी साहब को, एक एसपी साहब को, एक डीआईजी साहब को, एक पीआई को कि भाई हमारी ये तुम्हारे कहने फरियाद है कि हम जो है एमआईएम के लोग शांति कायम रखने वाले लोग हैं और हम ये लेटर आपके कहने दे रहे, कोई भी हमारे बारे में गैर मौजूदगी गलत चीजें अगर से हमारे बारे में आती है हमारी पहले तपास करो, अगर से हम गुनेगार सिद्ध हो तो हमको गुने के अंदर क्या बोलते तो आप मौजूद करके हमको अंदर करो। ये कैसा है, पुलिस प्रशासन से भी मेरी दरखास्त है क्योंकि आगे ये इलेक्शन आगा ये हर बे होने वाले है, ये तमाम चीज मेरे को समझती है। और उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जिम्मेदार जो है मलवाड़ा अध्यक्ष जो अली जनाब फिरोज साहब बने हैं, अब उन्होंने नांदेड़ में नहीं रहेंगे, पूरी जवाबदारी जो जिसको जो देंगे उस तरीके से हम पूरे तरीके से जवाबदारी निभाएंगे और काम करेंगे। तुमको मालूम है कि हम ना ही किसी से डर रहे ना ही किसी से दब रहे, तो हमारा मकसद तुमने देख लिया, इसके पहले भी आपकी क्या बोलते कैमरे पे मैंने बताया था
कि दो नंबर के टोटल कारोबार बंद कर देना, ये जो है तो दो नंबर के कारोबार एसपी आईजी डीएसपी सभी को दे दिया गया मेमोरेंडम कि दो नंबर के टोटल रेती का कारोबार, लकड़ी का कारोबार, गुटके का कारोबार, मटके का कारोबार, चूहे का कारोबार, पुलिस प्रशासन को ये पूरी माहिती दे दिया गई है कि भाई ये तमाम चीजें बंद करो, क्योंकि हम खुद ये चीज नहीं चाहते। जब हम चीज ये नहीं चाहते तो किस किस पार्टियों के आदमी इसमें इन्वॉल्व होंगे ये तुमको खुद को मालूम। ये इतना ये मेरे को खास तौर पे आपको कहना है, आप अगर इसके अलावा कुछ आपको पूछना है हमको आप बिल्कुल पूछ सकते। अशोक चौहान का ऐसा कहना था कि एमआरएम नांदेड़ से जीरो हो गई, फिर भी आज हरीश बहमत पे उड़ गए हैं और तादाद भी काफी बढ़ गई और जिला अध्यक्ष की जो पोस्ट थी उसे तब्दील होकर मराठवाड़ा हो गई, फिर बी टीम कहा अशोक चौहान ने, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, एमआईएम बी टीम हो गई। एमआईएम वो टीम है कि जो आईएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो हमारे समाज आज तमाम चीजा मुसलमानों के सामने आ रहे, तो ये तमाम बीजेपी के जो टीम बोल रहे ना कि बीजेपी की टू टीम नहीं है, वन टीम है, वन टीम। हम जो है हमारे अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत वो ताकत दी कि नाजायज हमारे ऊपर कुछ हो तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम सेकुलरिज्म मुसलमान है, सेकुलरिज्म मुसलमान। मेरे दादा परदादा की उम्र 104 साल थी जिसकी मजार मुबारक आज बड़ी दरगाह में है, उनका नाम था शेख महमूद साहब बाजनी और मेरे दादा का नाम था मोहम्मद इशाक साहब बाजनी और मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन जो नगर सेवक से माजी और मैं भी माजी नगर सेवक रहने वाला हूँ। हम जो हिंदुस्तान के वफादार है वो लोग गद्दार थे, वो चले गए पाकिस्तान, हमको हिंदुस्तान सेकुलरिज्म मुल्क चाहिए था और वह सेकुलरिज्म मुल्क के अंदर हम सेकुलरिज्म बन के रहेंगे, हम हिंदुस्तान के वफादार है, हम कोई अफगानिस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, हमारे को हमारा राइट दिया रहा है और हम हमारे राइट के हिसाब से हमको जो समझ में आता हम वो करेंगे, हम किसी के सामने झुकने और दबने और करने वाले नहीं है। और बता रहे ना कि ये बता रहे लोग कि बी टीम है, मैं ये कुछ बोलना चाहता हूँ आपको, फिल्म वेलकम देखे आपने? फिल्म वेलकम के अंदर जो है डायरेक्टर एक है, प्रोड्यूसर एक है, तो यहाँ जो है कांग्रेस का क्या चल रहा मालूम महाराष्ट्र में कि डायरेक्टर दिल्ली में, प्रोड्यूसर दिल्ली में, यहाँ तो खाली उदय शेट्टी का काम चल रहा है, उदय शेट्टी का, नाना पाटेकर भाई का पूरे महाराष्ट्र में, और जो है यहाँ मजनू भी है और यहाँ ऐसे बोलने वाले भी है कि नाना भाई ने मेरी टांग तोड़ा लोगों को डराने के लिए और मैं ऐसा लंगड़ते चला, ये होगा वो होगा। तो ये जो भी मुस्लिम की टीम बनती है, मुस्लिम लीग हो या एमआईएम हो, तो उस टाइम के ऊपर एक पार्टी करने का ऐसा जिम्मेदार है कि जा दूसरी मार और पूरे क्या बोलते हैं एमआईएम को तोड़ दे। इसके पहले आपने देखा 11 नगर से कैसा टूटे, तो इनको 24 आदमी को टिकट दिया गया था, 24 मुसलमान को, और मैंने ये बोला था कि आपकी ताकत नांदेड़ शहर में देखेंगे और हमारी ताकत हम हमारे वार्ड में बताएंगे हम क्या है। तो मैंने दो सीट गिराया हूँ, ये है मेरे अंदर ताकत और ये है मेरी अफवाह की ताकत। आने वाले दिनों में ये लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है और ये पूरे महाराष्ट्र में है, तो मजलिस पूरी ताकत से आने वाले दिनों में कांग्रेस को बता देंगे उनकी जगह? बेशक बेशक, वे आज जो है तमाम इसी समाज पे जो जुल्म हो रहे, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे, जितने हरके काश के लोग हैं उन पे जो जुल्म हो रहे, वो जुल्म के वास्ते ही वंचित अघाड़ी और ये एमआईएम बनी है कि ये जुल्म सहेंगे नहीं, हमको सामने से वार करने वाला चाहिए, पीछे से वार करने वाला नहीं चाहिए। इसलिए हम जो है ना सामने से वार करने वाले को हम उसको रोक सकते जो पीछे से वार करते, ऐसी पार्टी का हम साथ दे देंगे। अब तमाम ईमान वाले मुसलमान भाइयों से मेरी ये अपील है के सारे चीजों को देखो, जो जो चीजें हो रहे, गौ हत्या हो रही, ये हो रही, वो तमाम चीजें जो जुल्म हो रहे मुसलमानों पे, तो ना ही मुसलमान ने जब बोलते ना इन कि मेरी पार्टी के तरफ से मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ पार्लियामेंट में, तो आज मुसलमानों के वोट की क्यों जरूरत पड़ गई इनको?
तो इसीलिए हमने बायकॉट करे कांग्रेस को। और मैं ये तमाम ईमान वाले भाइयों से, मेरे मैं भी ईमान वाला हूँ, मेरी आखिरत ईमान वाले की आखिरत एक साथ होने वाली है। मैं और मेरी टीम जय जवान का शुक्रगुजार रहते हैं। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।